नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सर्व विद्यार्थी मित्रों नू तमारी પોતાની YouTube चैनल में। आज आपने धोरण 9 ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 24 कबीर के दोहे तेनु संपूर्ण सॉल्यूशन अपने आ वीडियो ने अंदर जोशु। अपने आज चैनल में धोरण 9 ना गाला स्वाध्याय पोथी ना बधाज पाठ ना सॉल्यूशन ना वीडियो ने लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ने अंदर मळी जशे। चालो अपने शुरू करिए धोरण 9 ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 24 नो सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 24 नो वीडियो तमे तमारा मित्रों दोस्तों ने जरूर थी शेयर करजो। जोई अपने विभाग नंबर 1 पद्य आधारित प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 कबीर की कविता अनुभव का खाली जगह ज्ञान भंडार है। जवाब आवशे अधा। नंबर 2 कबीर की वाणी का संग्रह खाली जगह नाम से प्रसिद्ध है। जवाब आवशे बीजक। नंबर 3 खाली जगह कुंडली बसे मृग दुहे बन माही। तो जवाब आवशे कस्तूरी। नंबर 4 सेवा कीजे संत की तो जन्म खाली जगह सोई। तो जवाब आवशे कृतार्थ। नंबर 5 जो सुख में खाली जगह करे तो दुख काहे को होई। तो जवाब आवशे सुमिरन। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। नंबर 1 कस्तूरी कहाँ है। तो कस्तूरी मृग की अपनी नाभि ही में रहती है। नंबर 2 मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है। तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। नंबर 3 हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 4 भवसागर तैरने के लिए कौन कौन से पाप तत्व है। 5 तत्व है। तो के भवसागर तैरने के लिए ये 5 तत्व है। साधु का मिलना, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। नंबर 5 सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है। संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। नंबर 1 संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तो तेनो जवाब अहीं આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। નંબર 2 કબીર ભગવાન કે સ્મરણ કા ક્યા મહત્વ બતાતે હે। તો તેનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર 5-6 વાક્ય મેં લખીએ। નંબર 1 કસ્તુરી ઓર મૃગ કે ઉદાહરણ દ્વારા કબીર ને ક્યા સંદેશ દિયા હે। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 2 કબીર સજ્જન ઓર દુર્જન મે ક્યા અંતર બતાતે હે। તો તેનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે। ત્યાર પછી નંબર 3 કબીરને સંતોષ કી મહિમા કિસ પ્રકાર બતાઈ હે। ત્યાર પછી છે વિભાગ નંબર 2 વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્ન નંબર 1 નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ। જોઈએ તેમાં નંબર 1 નમ્ર તો ઉદંડ, સ્મરણ તો વિસ્મરણ, સજ્જન તો દુર્જન, પ્રામાણિક તો અપ્રામાણિક। પ્રશ્ન નંબર 2 નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ। જોઈએ મૃગ તો હિરણ, સાર તો તત્વ, દીન તો ગરીબ, કુંભાર તો કુંભકાર, ગજ તો હાથી, વાજી તો ઘોડા। પ્રશ્ન નંબર 3 નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે લિયે એક શબ્દ લખીએ। નંબર 1 મૃગ નાભિ સે નિકલને વાલા સુગંધી પદાર્થ કસ્તૂરી। નંબર 2 જિસકા કાર્ય સિદ્ધ હો ચુકા હો કૃતાર્થ। નંબર 3 આત્માઓ મે સર્વશ્રેષ્ઠ પરમાત્મા। નંબર 4 મુસ્લિમો કા ઇબાદત કરને કા સ્થાન મસ્જિદ। પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત શબ્દો કા સંધિ વિગ્રહ કરકે લખીએ। તો જોઈએ નંબર 1 અભ્યુદય તો અભિવત્તા ઉદય। નંબર 2 બાઝાન ડંબર તો બાહ્ય વત્તા આડંબર। નંબર 3 કૃતાર્થ તો કૃત વત્તા અર્થ। નંબર 4 ભાવાર્થ ભાવ વત્તા અર્થ। પ્રશ્ન નંબર 5 નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ઉપસર્ગ પહેચાન કર લખીએ। જોઈએ નંબર 1 નિર્ગુણ તો નિર વત્તા ગુણ, સંગતિ તો સમ વત્તા ગતિ, વ્યવહાર તો વિ વત્તા અવહાર, અભ્યુદય તો અભિ વત્તા ઉદય, ઉદંડ તો ઉત વત્તા દંડ, દુર્જન તો દુહ વત્તા જણ।
प्रश्न नंबर छ, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। नंबर एक महत्व, तो महत्व तत्व, कुम्हारिन तो कुम्हार वत्ता इन, साक्षात्कार तो साक्षात वत्ता कार, लोहारिन तो लोहार वत्ता इन। तो फरी आपणे मळीशुं धोरण 9ના हिंदी विषयना गाला स्वाध्यायपोथीना बीजा पाठना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। अपनी आ चेनल ने लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं। आ गाला स्वाध्यायपोथीना बधा ज पाठना वीडियो व्हाट्सएप में प्राप्त करवा माटे अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जरूरथी जोड़ाई जजो, जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नी अंदर मळी जशे।